अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप ट्रेंडी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास स्मार्ट सिलेबस की। 11th क्लास स्मार्ट सिलेबस 2020, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। 11th क्लास केमिस्ट्री के ऊपर आज हम बात करेंगे। 11th क्लास केमिस्ट्री के स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कितने परसेंट आपने अपना सिलेबस रिड्यूस करना है और आपने वो नहीं प्रिपेयर करना, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, हर चीज़ गाइड करूंगी, ए टू जी आपको दिखाऊंगी भी। और स्टूडेंट्स आपने गौर से देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना ताकि आप इजीली प्रिपेयर कर सकें। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, केमिस्ट्री 11th क्लास की केमिस्ट्री में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स आपको शो भी हो रहा है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, 1.3.1 करना है और 1.3 का 3 पॉइंट भी करना है। इसके अलावा 1.5, 1.6, 1.7 एंड 1.8 आपने करने हैं। आइसोटॉप्स, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स जो कि पेज नंबर 324 है, एवरेज एटॉमिक मास जो कि पेज नंबर 6 पर है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूल, स्टोचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, यील्ड जो कि पेज नंबर 11 से 22 तक है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 के हैं वो आपने लास्ट में करने हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स आपने वो नहीं याद करने और ना ही उनमें से आपका पेपर आएगा। इसी तरह से क्लास वर्क और होमवर्क में भी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स आप उसको अपनी बुक पर मार्क करें और आपने सिर्फ इन्हीं को प्रिपेयर करना है, इन्हीं से तैयारी करनी है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं जो कि है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं, टॉपिक 2.3, 2.4 एंड 2.5 जो कि है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी, ये भी पेज नंबर 34 से 37 पर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स ये थोड़ा छोटा चैप्टर है और इसके तकरीबन 3 टॉपिक्स ही आएंगे और जैसा कि आप देख भी सकते हैं अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे तो स्टूडेंट्स वो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के भी कुछ पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी, 3 के भी, 6, 7, 8, 9, 10 आपने पूरे करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा थर्ड चैप्टर है गैसेस। गैसेस के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड चैप्टर, क्योंकि थर्ड चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है। इसके अंदर जो चीज़ें आएंगी और जो टॉपिक्स आएंगे स्टूडेंट्स वो 3.2, 3, 4, 5, 7, 8 एंड 11 सिर्फ यही टॉपिक करने हैं, जिनमें गैस लो, डाल्टन्स लो ऑफ पार्शियल प्रेशर पेज 41 से 57 तक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर जो कि पेज नंबर 60 से 65 पर है, प्लाज्मा स्टेट पेज 73 से 75 है। तो स्टूडेंट्स इसके थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्ड आपने ये लाजमी करने हैं। इसके भी इसी तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं क्लास वर्क और होमवर्क में। स्टूडेंट्स आपने ये दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जितने टॉपिक्स और जितने आपके क्वेश्चंस इसमें मार्क हैं स्टूडेंट्स आपने ये याद करने हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ चैप्टर है हमारा लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड एंड सॉलिड चैप्टर भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी जो टॉपिक्स आएंगे वो 4.1 है, 3 है, 4, 5 एंड 6 सिर्फ ये 5 टॉपिक्स आपने चैप्टर नंबर 4 के करने हैं जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये पेज नंबर 81 से 88 पेज तक होगा और क्रिस्टल लिटाइस, लैटिस, क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस जो कि पेज 95 से 101 पर है। इसके क्लास वर्क और होमवर्क भी दिए गए हैं, इसी तरह से आपने इनको भी याद करना है, क्वेश्चंस ऑफ लिक्विड्स और क्वेश्चंस ऑफ सॉलिड ये दोनों के अलग-अलग दिए गए हैं,
क्वेश्चंस ऑफ लिक्विड में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और सॉलिड में से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो स्टूडेंट्स वो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इजीली इसको अपनी बुक के थ्रू मार्क कर सकते हैं और आपने इनको प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 5, एटॉमिक स्ट्रक्चर। डेफिनेटली एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें जो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं, वो 5.1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 आपने ये टॉपिक्स इसमें करने हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ आइटम्स, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ आइटम्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स रदरफोर्ड मॉडल ऑफ आइटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पेपर में ये आता है। और इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो है प्लैंक, क्वांटम थ्योरी, बोहर्स मॉडल ऑफ आइटम, स्पेक्ट्रम, जो पेज 118 से 137 तक ये तमाम टॉपिक्स हैं, वेव पार्टिकल, नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, हाइसेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंस, ये पेज 138 से 146 तक है। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके टॉपिक्स भी इसी तरह से ज़्यादा हैं और आपने इसको ज़्यादा अच्छा याद करना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं और ज़्यादातर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से इसके भी क्लास वर्क और होमवर्क में जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आपने वो सब करने हैं, और इनमें जो नहीं मार्क आपने वो स्किप कर देने हैं, आपने वो नहीं करने। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6, केमिकल बाउंड्री। केमिकल बाउंड्री के जो है वो स्टूडेंट्स सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं, जो कि 6.1, 2, 3 एंड 4 केमिकल बाउंड है, एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है एंड टाइप्स ऑफ बाउंड, जो कि पेज 155 से 182 तक है। पेज में जितने भी टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स वो आपने सब करने हैं, वो मार्क भी किए हुए हैं, आपको बता भी दिए हैं, टॉपिक के नेम बताए हैं, आपने वो टॉपिक्स को कंप्लीट और अच्छे से याद करना है। इनके भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स आपने वो सब करने हैं, आपने वो मार्क करना है और इजीली प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 7 पर आते हैं, तो वो हमारा चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर के जो है वो स्टूडेंट्स इसके भी 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, 7.2, 3, 4 एंड 5 सिस्टम है, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी, हिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट, सॉल्यूशन, 197 से 209 तक है। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है स्टूडेंट्स, आपने वो सारे प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स वो आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं, विच इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से इसके टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने चैप्टर नंबर 8 के करने हैं, तो वो 8.1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 8 टॉपिक को स्किप किया है, बाकी तकरीबन 8.1 से 8.8 तक आपने करने हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री, आयोनिक बाउंड ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेसिस, जो कि पेज 214 से 235 तक हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन, ये पेज 236 से 242 तक हैं। इसी तरह से आपने इनके भी क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो टॉपिक्स हैं वो 4 हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में 9.3, 5, 6 एंड 7 आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पेज 260 से 262 सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, एनर्जेटिक ऑफ सॉल्यूशन, ये 256 से 277 पेज तक है। इसी तरह से आपने क्लास वर्क और होमवर्क पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स वो सब करने हैं। चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं और ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है। 10.1 के आपने दो पार्ट्स करने हैं, इसी तरह 10.2, 3 एंड 4 4 टॉपिक्स हैं, लेकिन 10.1 के 2 मोर पार्ट्स आपने करने हैं, 2 मोर टॉपिक्स आपने करने हैं, 10.1.1, 10.1.2 डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडिक्स इक्वेशन,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेट करना है, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और अ रेडिकल, ये दो आपने टॉपिक करने हैं जो कि पेज 284 से आपको 285 में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये 289 से 300 पेज पर मौजूद है। इसी तरह से आपने एज यूजुअल इनके भी क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर नंबर 11 लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक। रिएक्शन काइनेटिक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 11.1, 3, 4, 5 का एक और टॉपिक करना है वो 11.5.6 है। रेट ऑफ रिएक्शन जो कि 308 से 313 पेज पर है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फाइंडिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पेज 316 से 319। अर्हेनियस इक्वेशन पेज 322 से 324 पर मौजूद है। स्टूडेंट्स आपने इसके भी क्वेश्चंस करने हैं जो भी दिए गए हैं, जितना भी आपका स्मार्ट सिलेबस में आया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री पार्ट 1 शो हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ये तमाम के तमाम आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं, ये 29 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। स्टूडेंट्स आपने इनको कंप्लीट करना है, 1 से 29, जस्ट 29 एक्सपेरिमेंट हैं। ऑल ओवर द बुक पार्ट 1 यानी 11 क्लास के हैं, और इसके बाद जो होंगे वो पार्ट 2 होगा, डेफिनेटली इट्स फॉर 12th क्लास। तो स्टूडेंट्स आपने सिर्फ ये 1 से 29 तक ही एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा पूरा स्मार्ट सिलेबस केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कि क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी और किन चीज़ों को रिड्यूस किया गया है। 11th क्लास के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतने परसेंट ही रिड्यूस किया गया है जितना मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं जो आपको इसमें बताई गई हैं वो आपने लाजमी करनी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसके बारे में भी ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। योर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शंस गिव मी लॉट्स ऑफ इनकरेज टू क्रिएट मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स सो दे आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन एट राइट। Inshallah, I will create more informative videos for you. Keep supporting us. Aur agar aap mere channel par new hain, to subscribe my channel and press the bell icon so you never miss an update. Thank you and Allah Hafiz.